तो आज के हमारी इस फॉर्मूले के सेशन में हम आपके साथ बात कर रहे हैं फॉर्मूले की टेस्ट के ऊपर। तो डेट एंड टाइम और टेक्स्ट फॉर्मूले का कंबाइंड टेस्ट है, और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस मोस्टली इंटरव्यू से पूछी जाती है, इंटरव्यू में पूछी जाती है, या फिर आपके रियल लाइफ से प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि मेरे पास कुछ नाम्स है, नाम में फर्स्ट सेकेंड भी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी है, और फर्स्ट भी हो सकता है। मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, तो हमें स्पेस के बिहाफ से मानना है कि स्पेस से पहले फर्स्ट नेम है, स्पेस के बाद मिडिल नेम, उसके बाद सेकेंड नेम, राइट। तो हमारे पास एक फाइंड या सर्च का फॉर्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया था, वो क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर ढूंढता है, ढूंढ कर उसका लोकेशन बताता है। तो क्या बताया लोकेशन, लोकेशन बताया फाइंड, मतलब कि पांचवें नंबर करेक्टर पे है। तो फिर हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे इस फाइव सेलेक्ट कर देंगे तो राजू आ जाएगा। अब यहाँ पे राजू हो या राजेंद्र हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, वो ऑटोमेटिक अलग कर देगा, ठीक है सर। अब ये फाइंड के फॉर्मूले को हम कॉपी करके यहां B13 में डाल देता हूं, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता। तो सारे फर्स्ट नेम ऑटोमेटिक आ गए, हमें एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। राशिद जी समझ में आया आपको? हाँ अभी समझ में आया सर, ठीक है अभी क्लियर है। अब दूसरा आता है कि हमारा राजेंद्र कुमार सिंह भी है, मुझे यहाँ पे राजेंद्र कुमार है, तो कुमार के लिए हमने बताया था आपको कि मैं यहाँ पे फाइन का फॉर्मूला फिर से लगाता हूँ। फाइन में हमने बोला, हमने यहाँ बोला स्पेस, हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा वन से स्टार्ट किया तो 9 आ गया, और फिर मैंने यहाँ पे बोला कि राइट, क्योंकि राइट से लेना है तो राइट का फॉर्मूला इसको सिलेक्ट किया, और हमने बोला कि किसकी कंप्लीट लेंथ जो है उसमें से माइनस कर दे हमारा 9, तो कुमार आ गया सर। लेकिन मान लीजिए कि अगर सुजीत कुमार सिंह होगा तो कुमार सिंह दिखाएगा, बट मुझे यहाँ पे सिंह चाहिए, राजेंद्र कुमार सिंह का सिंह चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये फाइंड का फॉर्मूला क्या करेगा, दूसरे स्पेस को काउंट निकालेगा, बट यहाँ अगर मैंने 1 दे दिया तो फिर 9 ही देगा ना। तो ये जो 1 होता है वो क्या होता है, इंस्टेंस नंबर, स्टार्ट नंबर, मतलब कि आपके फाइंड जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से ढूंढना शुरू करेगा। तो हमने क्या किया, हमने 9+1 कर दिया, दसवें से स्टार्ट शुरू करो, जो दसवें से शुरू करेगा तो इस स्पेस को ढूंढेगा ना सर, क्योंकि इसको तो स्किप कर चुका है ना वो, तो 15 आ गया। तो यहां पे हम एक और राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, आरआईटी राइट का फॉर्मूला, और इसको सेलेक्ट करेंगे, और इसमें हम बोलेंगे कि इसकी कंप्लीट लेंथ माइनस सेकेंड जो फाइंड है उसका, ठीक है, सेकेंड फाइंड हुआ। तो अब इस फाइंड को, इस फॉर्मूले को मर्ज करते हैं, इसको कॉपी किया और यहाँ C13 में मर्ज कर देता हूँ, यहाँ भी यहाँ C13 है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सही है, पेस्ट कर दिया, और फिर इस फॉर्मूले को उठाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ऊपर में D3, और फिर इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम है कि ये दो फॉर्मूले हैं ना, बट यहाँ इसमें से कोई एक फॉर्मूला ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड नाम हुआ तो आपका जो ये दूसरा फॉर्मूला, इसमें हमने दो दो फाइंड लगा रखे हैं, ये फॉर्मूला आपका एरर देगा। तो आपको इस चीज के लिए इफ एरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा कि इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला एरर दे तो फिर ये फर्स्ट नाम वाला फॉर्मूले को चले, और फिर इन दोनों फॉर्मूलों को इसमें कंबाइन कर देना होगा। कॉपी किया और यहाँ D2 हमने पेस्ट कर दिया, और फिर इस पे आए और यहाँ पे राइट में आते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया C2, एंड देन इनको डिलीट कर दीजिए और इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है पंकज, एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है,
कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। ओके हाँ, ये जो हमने फाइंड के अंदर फाइंड लगाया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लेना होगा। कुछ गड़बड़ है सर, मर्ज करने में कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार मैं फॉर्मूला अपडेट करता हूँ, पता चल जाएगा। ये हमारा अजिंदर है, लेन का फॉर्मूला लगा। हाँ कुमार आ गया, ओके सर, हमने गड़बड़ कर दिया है, हमने गड़बड़ कर दिया है। ये जो फॉर्मूला था हमें इफ के दूसरे पार्ट में चाहिए, क्योंकि ये एरर दे तभी तो दूसरा आए। बस मुझे स्वैप कर देना था, अब चाहिए हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि आपका पहले वाले फॉर्मूला जो पहला राइट है, जो कि फर्स्ट नाम को अलग सेकेंड नाम को अलग कर रहा है, वो तो एरर नहीं ना देगा। वो फर्स्ट नाम है, सेकेंड नाम एरर तो देगा ही नहीं, एरर तो आपको वो देगा ना सेकेंड नाम वाला है। तो सेकेंड नाम में जो एरर दे तो इस पे चलेगा। समझ में आया आपको? समझ में आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपने बना ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 रैप्ट के एग्जांपल देने थे, तो समझिए रैप्ट फॉर्मूला क्या करता है। रैप्ट फॉर्मूला रिपीट करता है, जैसे हमने ए लिखा और यहां पे हमने बोला रैप्ट, और यहां पे हमने इस करेक्टर को दिया और हमने बोला 5 टाइम, तो 5 टाइम रिपीट कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? तो यहां पे मैंने एक सेल्स एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक आपको ढूंढना है, ठीक है? हमने यहां पे एक नंबर दे दिया, तो आपको मैंने बताया था कि हम यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लगाते हैं, डेटा बार लगाते हैं ना सर। जी सर, तो बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे डेटा बार इस कॉलम में नहीं इस कॉलम में चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको सेल लिंक करके बताया था, जिसमें सिर्फ आइकन शो करे होगा, उस तरीके बताया था। बट क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मर्जी से जैसा मर्जी वैसा लगा ले, प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो ए है, आपका जो डेटा है वो फॉर्मेट होगा, उसको कॉल नहीं कर सकते, उस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसको कहीं पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। वो जहां डेटा है वही प्रेजेंट होगा, समझ गए सर? ओके सर, तो मैं चाहता हूं कुछ ऐसा यहां पे हमारा फॉर्मेटिंग दिखे जिसको हम कहीं कॉल भी कर सके। तो उस केस में हम रैप का फॉर्मूला यूज करते हैं। रैप में एक करेक्टर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस किया। अब काफी जब बड़ा हो गया तो हम इसको हर हर किसी को 5 से डिवाइड कर देते हैं ताकि छोटा हो जाए। छोटा हो गया सर। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां पे देखिए। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक फॉन्ट में ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का एक फॉन्ट होता है, समझे? ओके ब्रिटैनिक बोल्ड, जब ब्रिटैनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो सीक्वेंस लग जाएगा। आ गया सर। अब मैं इस पे कंडीशन वर्टिंग लगा सकता हूँ कि भाई जो ग्रेटर देन, इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ कि जो ग्रेटर देन 50 है उसका कलर रेड हो जाए, वगैरह वगैरह, समझे? तो इस तरह के चार्ट्स में हम इसका यूज करते हैं। इसका और भी यूजेस हैं, आप इसको ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 आपने बना ही लिया था, 6 भी आपने बना लिया था, 7 आपसे नहीं हुआ था। तो 7 में कुछ नहीं करना था आपको। यहाँ पे क्या करना है कि स्टार्ट, यहाँ पे एक हम मंथ लिख रहे हैं और आपके स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्यों चाहिए कि आगे चल के जब आप समीज की जैसे फॉर्मूले सीखेंगे तो क्या होगा कि आपने क्या किया, आपने मंथ सिलेक्ट किया कि जनवरी महीने का टोटल दिखा दो, तो आपको जनवरी, हम सिर्फ जनवरी का जैन लिखना चाहते हैं, पूरा जनवरी का डेट नहीं लिखना चाहते, समझ रहे ना? तो मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट का पीरियड तो चाहिए होगा ना, ताकि उसके बिहाफ से हम डेटा उठाएं। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, 1-n%, इसको सेलेक्ट किया, डैश 2021। अब ये इस तरह से आ गया। अब ये डेट फॉर्मेट में तो है नहीं, तो डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा लीजिए, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में। डेट में कन्वर्ट हो गया।
अब एंड डेट निकालने के लिए तो पता ही है ना, ईओ मंथ बताया था मैंने आपको, जी, उसी महीने का लास्ट डेट निकाल देगा। अब यहाँ पे जो सा महीना रखिए, जैसे मैंने मार्च के लिए मार्च लिख दीजिए या मार्च पूरा लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अभी इस समझिए क्या है, आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें क्या होता था कि अगर आपको आपका बिलिंग साइकिल होता है, जैसे 5 तारीख से लेकर 6 तारीख का बिलिंग साइकिल है, जैसे आज मैं कोई खरीदूंगा, आज 9 तारीख है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो उसका बिल जो मुझे मिलेगा अगले महीने के 5 तारीख को मिलेगा, समझे, और मुझे 26 तारीख तक पे करना है। तो ये शॉपिंग डेट दिया हुआ है, बस मुझे इसका ड्यू डेट निकालना है कि 27 जुलाई को सामान खरीदा गया तो उसकी पेमेंट कब होगी, क्योंकि 27 जुलाई का है तो 6 तारीख का, 6 अगस्त का इसका बिल बनेगा, 26 अगस्त पे करना होगा क्या जी। तो यहाँ इफ का फॉर्मूला लगेगा, इसमें हम डे का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें से डे को अलग करेंगे और बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन 6 है तो डेट का फॉर्मूला, डेट में ईयर जो कि हम इससे निकालेंगे, ठीक है, मंथ का फॉर्मूला, इसमें से मंथ निकालेंगे और डेट 26 है, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर वो 6 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसका मतलब है जैसे 5 तारीख को हम खरीदेंगे तो अगले महीने की 26 को पे करना पड़ेगा ना, उस महीने की 26 पे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट मंथ में एक ऐड कर देंगे 1+1 आ गया। अच्छा एक नहीं नहीं, नहीं। ग्रेटर देन 6 है तो +1, माफ कीजिएगा हम गलत गलत कंडीशन लगा रही है, यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे +1 नहीं होगा। आगे 26 अगस्त, इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप ऐड कर ही लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा है ना सर, ए सेम ए यूज होगा यहाँ पे, मैंने बताया भी था एग्जाम्पल 10th क्लासेस में। और इसमें जो है आशीष जी आप नहीं कर पाए थे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट में आउट डेट प्लस टाइम कर देना है, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है अगेन ब्रैकेट में इन डेट प्लस, माने कि रिपोर्ट डेट प्लस टाइम, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है तो ये हमारा टेस्ट का रहा सलूशन, इसकी फाइल मैं आप लोगों को दोबारा भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सके मेल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो